महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुओं को हमेशा ही कुछ न कुछ उपदेश दिया करते थे। हमेशा की तरह महात्मा बुद्ध अपने आश्रम में वृक्ष के नीचे बैठकर सभी भिक्षुओं को कुछ उपदेश दे रहे थे। उनके सभी भिक्षु उन उपदेशों को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। तभी उन भिक्षुओं में से एक भिक्षु के मन में एक सवाल उठा। उसने महात्मा बुद्ध से कहा, तथागत, मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है और उसका उत्तर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। भिक्षु की बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने कहा, पूछो वत्स, तुम्हारा क्या प्रश्न है? वह भिक्षु कहता है कि हे तथागत, कि इस संसार में लापरवाहों की क्या पहचान है? यह सुन महात्मा बुद्ध ने उस भिक्षु के सवाल का कोई भी उत्तर नहीं दिया और वह अन्य बातें करने लग गए। यह देख वह भिक्षु उनसे कहता है, तथागत, क्या हुआ, आपने मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया? महात्मा बुद्ध अब भी उस भिक्षु के सवाल का कोई जवाब नहीं देते और उस सभा को वहीं पर स्थगित करके अपनी कुटिया में चले जाते हैं। वह भिक्षु यह देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन वह महात्मा बुद्ध से कुछ नहीं कहता। अगले दिन कुंडिया राज की राजकुमारी सुप्पवासा के यहाँ पर महात्मा बुद्ध को भोजन करने जाना था। सुप्पवासा 7 वर्ष तक गर्भ धारण करने का कष्ट भोग चुकी थी और महात्मा बुद्ध की कृपा से ही उसे इस कष्ट से छुटकारा मिला था और इसी खुशी में वह भिक्षु संघ को भोजन दे रही थी। सारे बौद्ध भिक्षु महात्मा बुद्ध के साथ उनके यहाँ पर प्रस्थान करते हैं। वहां पहुंचते ही उन सभी का स्वागत किया जाता है और सभी को भोजन करने के लिए अंदर ले जाया जाता है। जब सुप्पवासा महात्मा बुद्ध को भोजन करवाती है, ठीक उसी समय सुप्पवासा के पति अपने छोटे से बच्चे को लेकर वहां पर आकर खड़े हो जाते हैं। 7 वर्षों तक गर्भ में रहने के कारण वह बालक जन्म से ही विकसित हो चुका था। दिखने में भी बालक बहुत ही सुंदर था। उस बालक की हंसने और क्रीड़ा करने की गतिविधियां इतनी मनमोहक थी कि जो भी उसे देखता वह खुश हो जाता था। भोजन कराते वक्त वह बालक अपनी माँ को देखकर बार बार उनके पास जाने के लिए मचलने लगता। वह अपने पिता की गोद में रहना ही नहीं चाहता था, लेकिन सुप्पवासा भोजन करवाने के कारण उसे अपनी गोद में नहीं ले पाती। वहीं महात्मा बुद्ध उस बच्चे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और सुप्पवासा से पूछते हैं कि बेटी, यदि तुम्हें ऐसे ही और पुत्र मिले तो तुम और कितने पुत्रों की कामना कर सकती हो? महात्मा बुद्ध की इस बात को सुनकर सुप्पवासा महात्मा बुद्ध से कहती है कि हे भगवान, अभी 7 बार इसी तरह और गर्भ धारण करने की मेरी कामना है और मैं इसी तरीके के लगभग 7 पुत्रों को जन्म देना चाहूंगी। महात्मा बुद्ध और उनके सभी भिक्षु वहीं पर बैठे हुए थे जो वे सारी बातें सुन रहे थे। सुप्पवासा की इस बात को सुनकर वे सभी भिक्षु अचरज में पड़ जाते हैं। यह स्त्री ऐसे भला कैसे कह सकती है? जो कल तक इस प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी, इतने वर्षों से इस दर्द को सह रही थी और उससे मुक्ति का मार्ग ढूंढ रही थी, जो एक पल भी उस अवस्था में रहने को तैयार नहीं थी। उसके दर्द ने मानो उसके चेहरे का रंग ही उड़ा दिया था और इतना कुछ सहने के बाद भी वह फिर से पुत्रों की कामना कर रही है, और वो भी एक बार नहीं बल्कि पूरे 7 बार संतानों को जन्म देना चाहती है और उसी दर्द में फिर से जाना चाहती है। इस स्त्री का दर्द अभी तो ठीक हुआ है और यह फिर से उसी दर्द की कामना कर रही है। ये सारी बातें उन सभी भिक्षुओं के मन में चल रही थी और वे समझ नहीं पा रहे थे कि सुप्पवासा ने ऐसी कामना क्यों की। ऐसी इच्छा के पीछे क्या कारण हो सकता है? वह मन ही मन उलझ रहे थे। तभी सुप्पवासा का जवाब सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं और अपने उस भिक्षु की तरफ देखने लगते हैं जिसने कल प्रश्न पूछा था। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि वत्स,
तुम्हारे सवाल का जवाब यही है कि मनुष्य एक कष्ट से मुक्त हो नहीं पाता कि वह दूसरे की कामना करना शुरू कर देता है, इसलिए वह कभी भी संसार के इस चक्र से निकल ही नहीं पाते और उसी में जीवन भर फंसकर रह जाते हैं। मनुष्य स्वयं ही अपनी कामनाओं को बढ़ाता रहता है और कुछ न कुछ रोज नई कामना करता है और वही कामना हमें आगे कष्ट देती है। इस संसार के सभी मनुष्यों का यही स्वभाव है कि वह एक कष्ट के दूर होते ही स्वयं कुछ न कुछ करके अपने दूसरे कष्ट को आमंत्रण दे देता है और फिर वो उसी तरह से दूसरे कष्ट में भी दुखी रहते हैं और यही गतिविधि उन्हें हमेशा संसार के इस चक्र में फंसाए रखती है और वह कभी भी बाहर नहीं निकल पाते। महात्मा बुद्ध की बातों को सुनने के बाद उन सभी भिक्षुओं को अपने इस सवाल का जवाब मिल गया था। बुद्ध और उनके सभी भिक्षु वहां अपना भोजन ग्रहण करने के बाद सुप्पवासा और उनके पति को धन्यवाद कहते हैं और फिर वहां से वापस आश्रम की ओर लौट जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, मगध राज्य के सम्राट ने युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद राज्य में एक बहुत बड़ा उत्सव रखा था जिसमें उस राज्य के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था और साथ ही सम्राट ने उस विजय उत्सव में बौद्ध भिक्षुओं को भी खास तौर पर आमंत्रण दिया था। सम्राट ने उस विजय उत्सव में बौद्ध भिक्षुओं का एक प्रवचन भी रखा था। देखते ही देखते सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी, सभी अतिथि उस विजय उत्सव के लिए आ चुके थे, वहीं सम्राट भी आए और उन्होंने अपना आसन ग्रहण किया। उसके कुछ समय बाद बौद्ध भिक्षुओं का प्रवचन आरंभ हुआ। सम्राट समेत सभी नगरवासी बौद्ध भिक्षु के प्रवचन को बड़ी ही गंभीरता से सुन रहे थे। प्रवचन पूरा होने के बाद सम्राट समेत सभी लोग बहुत खुश हुए। उन्हें भिक्षुओं का यह प्रवचन बहुत ही पसंद आया था, जिसके बाद उन भिक्षुओं को सम्राट ने भोजन के लिए आमंत्रित किया। उन बौद्ध भिक्षुओं को देखकर सम्राट के मन में एक प्रश्न उठता है कि इन भिक्षुओं ने जो प्रवचन दिया वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्या ये उन बातों पर खुद भी अमल करते हैं? क्या इन भिक्षुओं ने उसे अपने जीवन में उतार रखा है, या फिर ये प्रवचन सिर्फ दूसरों के लिए था? अपने इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए और इसकी जांच करने के लिए उन्होंने भिक्षुओं को अपने राजमहल में आमंत्रित किया। ठीक समय पर वह बौद्ध भिक्षु राजमहल में आए। सम्राट भी उनको सम्मानपूर्वक भोजन कक्ष में ले गए और खुद ही अपने हाथों से उन्होंने उन लजीज व्यंजनों को उन बौद्ध भिक्षुओं के लिए परोसा, परंतु मिचान की जगह उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को साधारण भोजन करवाया और फिर अपना पूरा महल उनको दिखाया। वह महल के हर एक कोने में उन बौद्ध भिक्षुओं को ले जाते और स्वयं ही दिखाते थे और जब उन्होंने महल का हर एक कोना उन्हें दिखा दिया, उसके बाद अंत में सम्राट ने उन बौद्ध भिक्षु को अपने राजमहल का एक तहखाना दिखाया जो कि वास्तव में उस राज्य का खजाना था, जहां पर हीरे जवाहरात और कई सारे रत्न रखे हुए थे। ये सब दिखाते हुए सम्राट ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा कि ये मेरे आभूषण हैं, रत्न हैं, जो बहुत ही अमूल्य हैं। यह न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में सबसे हटकर हैं, बेजोड़ हैं और इनका कोई मुकाबला नहीं है। सम्राट की इन बातों को सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने सम्राट से कहा कि फिर तो महाराज, इन सब आभूषणों को, रत्नों से और हीरों से राज्य को बहुत राजस्व आता होगा। भिक्षु की बात को सुनने के बाद सम्राट ने उनसे कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, इनसे कोई आय नहीं आती बल्कि इसकी सुरक्षा के लिए बड़ा खर्चा उठाना पड़ता है, ये बेहद ही अमूल्य हैं। सम्राट की बातों को सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु उनसे कहते हैं कि हे महाराज, जब मैं आपके राज्य के लिए आ रहा था
तब मैंने इन रत्नों से भी बड़ा और कीमती अमूल्य पत्थर रास्ते में देखा था। बौद्ध भिक्षु की बात सुन सम्राट आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचने लगता है कि भला मेरे राज्य में ऐसा कौन सा पत्थर है जो मेरे रत्नों से भी बहुत ज्यादा कीमती है, जिसकी बराबरी ये बौद्ध भिक्षु मेरे इस बहुमूल्य खजाने से कर रहा है और इसके बारे में मुझे पता तक नहीं। आज तक ऐसा कैसे हो सकता है? वो बौद्ध भिक्षु सम्राट को देखकर समझ जाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। तब वो बौद्ध भिक्षु सम्राट से कहते हैं कि हे सम्राट, आप अभी मेरे साथ चलें, मैं आपको कहीं ले जाना चाहता हूं। सम्राट भिक्षु से पूछते हैं कि आप कहां लेकर जाना चाहते हैं। इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, उसी बहुमूल्य और कीमती पत्थर को दिखाने के लिए जो आपके इन रत्नों से भी अधिक बहुमूल्य है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको उसे दिखाता हूं, परंतु उसके लिए आपको मेरे साथ नगर की ओर जाना होगा। भिक्षु की बात सुनकर वह सम्राट उन भिक्षु के साथ जाने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं और सम्राट उस कीमती पत्थर को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक भी हो गए थे। वह सम्राट यह जानना चाहता था कि वो आखिर कौन सा पत्थर है जो इतना बहुमूल्य है, उसमें ऐसा क्या खास है। ये सब जानने के लिए वह सम्राट बौद्ध भिक्षु के साथ चला जाता है और तब वह बौद्ध भिक्षु उन्हें नगर के बिल्कुल किनारे पर स्थित एक मोहल्ले में ले जाता है। वहां जाकर वह बौद्ध भिक्षु एक घर में प्रवेश करता है। उस घर में एक स्त्री चक्की पर आटा पीस रही होती है। जैसे ही वह बौद्ध भिक्षु और सम्राट को अपने घर में यूं अचानक देखती है तो वो थोड़ा सा घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये यहाँ पर क्यों आए हैं, कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई, और वह घबरा कर अपने दोनों हाथ जोड़कर उन सम्राट और बौद्ध भिक्षु के सामने खड़ी हो जाती है और उनका स्वागत करती है। तब वह सम्राट कहते हैं कि यहाँ दिखाने जैसा क्या है जो आप मुझे दिखाने लाए थे। तब वह बौद्ध भिक्षु उनसे कहते हैं कि महाराज, ये तो आपके सामने आटा पीसने की चक्की रखी हुई है जिसे आप देख भी रहे होंगे। इसके ये जो पत्थर हैं, ये दो पत्थर अमूल्य हैं। ये सुनकर सम्राट उनसे कहता है कि लेकिन ये तो सिर्फ साधारण आटा पीसने की चक्की है, इसमें ऐसा क्या खास है जिसकी तुलना आपने मेरे रत्नों से की थी। इन दोनों में बहुत अंतर है। इस चक्की से आप केवल आटा पीस सकते हैं और कुछ नहीं, लेकिन मेरे उन कीमती रत्नों का इस चक्की से दूर दूर तक कोई मेल नहीं। आप बेवजह ही मुझे यहाँ पर लेकर आए। सम्राट की इन सभी बातों को सुनकर वो बौद्ध भिक्षु उनसे कहते हैं कि महाराज, ये बेशक सिर्फ आटा पीसने की चक्की है, लेकिन ये आपके राज्य के कीमती हीरे जवाहरात और रत्नों से बहुत ही ज़्यादा अधिक कीमती है। ये सब सुन वह सम्राट उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, इसका कारण भी बताने का कष्ट करें। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि आपके कीमती खजाने की रक्षा के लिए जो कर्मचारी, मुनीम आदि लोग लगाए जाते हैं, उन पर सिर्फ खर्च ही खर्च होता है। आप उन पर न जाने कितने पैसे उड़ा देते हैं सिर्फ और सिर्फ उन रत्नों की सुरक्षा के लिए, और जबकि इस पत्थर के लिए सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं किए जाते। और सबसे बड़ी बात कि इसी पत्थर का उपयोग करके यह स्त्री अपने परिवार को भोजन करवाती है, उनका पेट भरती है, और केवल यही नहीं बल्कि हम सभी इसी दो पत्थर की चक्की के पीसे हुए आटे का भोजन करते हैं, जबकि आपके रत्न तो केवल एक जगह पड़े हुए हैं और वह सिर्फ आपके अलावा और किसी की जरूरत को पूरा भी नहीं कर सकते, लेकिन यह चक्की बिना भेदभाव किए सभी का पेट भरती है। तो आप ही बताइए यह पत्थर कितना कीमती हुआ। यह सुनकर वह सम्राट चुप हो जाता है और वह अपने महल वापस लौट आता है। दूसरी तरफ बौद्ध भिक्षु भी अपने आश्रम की ओर चले जाते हैं।
महल लौटने के बाद वह सम्राट बहुत ही चिंतित हो जाता है। उन बौद्ध भिक्षु की बातों का उस सम्राट पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। वह रात भर सो नहीं पाया, करवटें बदलता रहा। वह पूरी रात बौद्ध भिक्षु की उन बातों को सोचता रहा और अगले दिन सुबह सुबह ही उन्होंने अपने हीरे जवाहरात सोना चांदी से भरा हुआ खजाना राज्य में जरूरतमंदों को दान कर दिया और स्वयं के पास कुछ नहीं रखा। उन बौद्ध भिक्षु की कही बात उस सम्राट को समझ में आ गई थी। वह सम्राट ये समझ चुका था कि जीवन में किन चीजों का मूल्य ज्यादा है और किन का नहीं। दोस्तों, इन दो कहानियों से हमने दो नए पाठ सीखे हैं। पहला, किसी एक संकट से निकलता नहीं कि वह अपने दूसरे संकट को आमंत्रित करने लग जाता है, इस कारण वो जीवन के इसी चक्र में फंसा रह जाता है। और दूसरा, कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा बहुमूल्य चीज क्या है? क्या वो आपकी धन और संपत्ति है या फिर कोई ऐसी चीज जिससे आपका और आपके समाज का भला हो सके? ये फैसला आप ही को करना होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।